हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का डीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहां पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के फॉर्म के बारे में। जिन दोस्तों ने अपना फॉर्म भर दिया है और फॉर्म भरते समय उन्होंने गलती की है या जिन्होंने गलती नहीं भी की है, उनको भी एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए अपना फॉर्म का स्टेटस। अगर बता रहा है तो ठीक है, क्या बता रहा है एक बार दोबारा लॉग इन करके देख सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने विशेष तौर पर गलती की है और जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या जिनको फॉर्म अपना रिजेक्ट करना है किसी कारण की वजह से, तो उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर जरूर करना, ताकि किसी भी स्टूडेंट को इस चीज से रिलेटेड जो इस वीडियो में बातें बताई गई है उनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आई हो, या जिन्होंने फॉर्म भर दिया हो और उनको पता नहीं हो कि उन्होंने कहीं गलती कर दी, उनका फॉर्म कहीं अगर गलती से रिजेक्ट भी हो गया हो, तो ताकि उनको पता चले कि कहीं उनका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया, वो दोबारा एक बार चेक कर लें। और अगर रिजेक्ट हो गया तो उनको क्या करना है ये बताने वाला हूं मैं। अगर आपने भी अपना फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है तो आपको क्या करना है, क्या दोबारा फॉर्म भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा, क्या आपका एक साल खराब होगा या फिर अगले साल ही आपको एग्जाम दिया जाएगा या फिर इस बार आपको मौका मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये दिक्कत काफी ज्यादा आ रही थी और आज एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ऐसे में जिनके रिजेक्ट होगा फॉर्म तो उनको तो वापस भरने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि आपको फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद वापस भरने का मौका मिलेगा। पूरा मामला क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक इमेज दिखा देता हूँ, ये इस प्रकार से आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दो वेबसाइट है, दोनों में से किसी पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप सबसे ऊपर वाली वेबसाइट जो bstcguides.in वाली है उस पे जाकर चेक करें, क्योंकि उस पे ट्रैफिक कम है तो वेबसाइट जल्दी से खुल पाएगी, और bstc2020.org.in वाली पे ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण वेबसाइट कल भी क्रैश हो चुकी थी और आज भी उस पे ट्रैफिक ज्यादा है, इस वजह से आप उस पे ना जाएं तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है कि अप्लाइड फॉर रिजेक्शन ऑन October 8, 2020 12:21, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या फिर आप खुद रिजेक्ट करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए और कारण बताइए और रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका आपको दोबारा फॉर्म भरने का यहाँ पर नहीं बता रहा होगा, ठीक है। वापस कुछ इसी प्रकार का दिखाएगा, यानी कि आपने रिजेक्शन के लिए अप्लाई किया था जो अभी भी इतने टाइम पे ये बता रहा है, तो दोबारा भरने का मौका कब मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल और बहुत ही आपके मन में जिज्ञासा है इसी सवाल को जानने की। देखिए, आपने फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है तो रिजेक्ट करने के बाद आपका फॉर्म पेंडिंग पड़ा है कॉलेज में। जब कॉलेज वाले आपके जो जो कॉलेज से जो व्यक्ति या जो मैडम इस फॉर्म को चेक करेंगी और उनको लगेगा कि वाकई आपका जो रिजेक्ट करने का रीजन वैलिड है, तो वहां से आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद ही आपको दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, ऐसी जानकारी मैंने ली है, ठीक है। और ये जानकारी बिल्कुल सही है, जब फॉर्म आपका कॉलेज से रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसके बाद ही आपको मौका मिलेगा। इस चीज को मैं रिपीट करके कह रहा हूं, ठीक है, कि कॉलेज से रिजेक्ट होना जरूरी है। आपका फॉर्म आपने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने के बाद कॉलेज से रिजेक्ट होगा, उसके बाद ही आपको वापस मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। ऐसे में आपको रोजाना दिन में कम से कम 2 या 3 बार तो वेबसाइट पर आकर अपने फॉर्म का स्टेटस स्थिति चेक कर लेनी है, कि जैसे ही आपको दोबारा भरने का मौका मिले तो बड़ी तसल्ली से सारी जानकारी लेकर, नहीं पता है तो जिन्होंने भर दिया है एक जने से नहीं, कम से कम 4-5 जने से कंफर्म कर ले अपने दोस्तों से कि उन्होंने उस ऑप्शन में क्या भरा था। और विशेष तौर पर नाम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सब्जेक्ट, इन चीजों का बिल्कुल सही चयन करना है आपको, इनमें किसी तरह की गलती नहीं करनी है। 4 बार चेक कर ले फाइनल सबमिट करते समय, ठीक है। और एग्जाम डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसका अभी तक तो कोई जवाब नहीं है। अब आज लास्ट डेट है और हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए बढ़ जाए, संभावना है, ठीक है। अब ये कंफर्म नहीं है कि बढ़ेगी। तो इस वीडियो में आपको इतना ही, यही जानकारी देनी थी। और यहां पर मैं आपको वेबसाइट पर चलकर ही बता देता हूं कि आप जैसे ही bstcguides.in गूगल में टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर या जो आपको यूआरएल मिलेगा bstcguides.in, ठीक है,
ये हमारी नई वेबसाइट है, क्योंकि उस वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और वो वेबसाइट बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाली है। थोड़ा सा यहाँ पर लाइट का इशू है, लाइट अभी जस्ट आई है तो इंटरनेट वापस कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। सॉरी, कीबोर्ड कनेक्ट नहीं, BS। बस एक मिनट आप वेट कीजिए, थोड़ा सा नेट कनेक्ट हो जाए, मैं आपको ओपन करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में वैसे आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस पर जाकर BSCC फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो टैब मिलेगा उस पर जाके आप क्लिक कीजिए, आपको वो जानकारी मिल जाएगी कि इस प्रकार से आपको क्या करना है। तो यहाँ पर फिर से बस होने वाला, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब, और मैं एक बार ओपन करके बता देता हूं आपको। सॉरी गाइस, थोड़ा सा यहाँ पर और वेट करना पड़ेगा, बहुत ही जल्द ये कनेक्ट होने वाला है, हालांकि इतना टाइम नहीं लगता है, बस 1-2 मिनट का टाइम लेता है, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी और ये वीडियोस भी मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है, क्योंकि आप देख सकते हैं चार्जिंग का नीचे जो स्टेटस बता रहा है वो सिर्फ 37% है, और अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद कंप्लीट अपलोड करना है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर जैसे इंटरनेट का नो इंटरनेट एसएस आ रहा है, तो एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ मैं, हो सकता है कनेक्ट हुआ हो। हाँ, तो हो गया है, और यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर टैब में जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर आवेदन पत्र में त्रुटि का कारण आवेदन निरस्त, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया कि इस प्रकार का, और यहाँ पर आपको जो है डिटेल हमने बता दी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। ठीक, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो और महत्वपूर्ण वीडियो BSTC से रिलेटेड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए राम राम।